हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज हम चर्चा करेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ जो बीए थर्ड ईयर के सभी छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। और ये प्रश्न पत्र जो है वो दोस्तों वो है आपका सुदूर पूर्व एशिया से प्रश्न होगा। और सुदूर पूर्व एशिया का जो प्रश्न आपके पेपर में पूछा था है, कुछ दोस्तों हमारे पुराने वाले जो मांग कर रहे हैं दोस्त कि सर आप लोग आप इसमें से कुछ प्रश्न बता दीजिए जो हमारे पेपर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो, वो मैं आपको यहाँ पे ज़रूर सॉल्व कराते रहते हैं। और जो प्रश्न आपके लिए आया है ये भी आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों देर ना करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये सारे प्रश्न जो हैं वो आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। और पेपर जितने भी जल्दी आते हैं आप लोग तैयारी कर नहीं पाते हैं और वहीं पर आप मार खा जाते हैं और आपका नंबर भी कम आता है। तो आई होप ये बिल्कुल देर ना करें और अच्छे से तैयारी करते रहिए दोस्तों। जैसे जैसे मैं आपको पेपर आता रहता है वैसे वैसे मैं आपको और बढ़िया से बढ़िया प्रश्न आपको सॉल्व कराने का प्रयास करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल एक एक प्रश्न तैयार करके जाइए कि आपके पेपर में कोई ऐसा प्रश्न ना आए जो आपको लोग पढ़े ना हो। ज़रूर पढ़िए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। जैसे आपका प्रश्न आ जाता है कभी कि जापान को भौतिक प्रदेशों में बांटिए और किसी एक प्रदेश का विस्तृत वर्णन कीजिए। हर बार ये प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया, जापान का तो हर बार। चीन और जापान के तो ऐसे जो क्षेत्र हैं यानी कि जो ऐसे देश हैं वो आपके पेपर में भौतिक प्रदेशों के बारे में ज़रूर पूछा जाता है। और आपको ऐसा नहीं है कि नहीं बार और अलग अलग प्रश्नों के साथ पूछा जाता है। इसमें से कभी आपका आता है हांसू प्रदेश आता है, कभी कोई प्रदेश आ जाता है। तो इस तरीके से हांसू हो गया, जापान के आपका क्योटो प्रदेश हो गया, उसके में क्वांटो प्रदेश। तो ये सारे प्रदेश आपके हर बार कई बार में पूछ लिया जाता है। तो जैसे भी आपके लिए आता है ज़रूर सॉल्व करते रहिए प्रश्नों को, अच्छे से आप लोग तैयारी भी करते रहिए। अब जैसे आपका आता है इसमें जो भौतिक प्रदेश हैं उसके बारे में यहाँ पे लिखना है, यानी जापान को भौतिक प्रदेश में बांटिए और किसी एक प्रदेश का विस्तृत वर्णन कीजिए। जापान के भौतिक प्रदेश सबसे पहले जानेंगे आप लोग कि जापान का भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं और उसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हैं वो कौन से बताए गए हैं। अब यहाँ पर आंसर में आपका बताया गया है कि जापान का धरातलीय स्वरूप सर्वत्र एक जैसा नहीं है। जो जापान का धरातलीय स्वरूप है, स्वरूप का मतलब होता है दोस्तों स्थान, यानी कि जो जापान का स्थान है वो एक जैसा नहीं है। और पर्वतीय क्रम वो क्या बता रहा है कि पर्वतीय क्रम मतलब पर्वतीय क्षेत्र में है, मान लीजिए ढलान के अनुसार पर्वत का आकार का एकाएक समुद्र से उठे हुए लगते हैं, यानी कि समुद्र से क्या होता है एकाएक वो उठे हुए लगते हैं, मतलब कुछ इस तरीके से, यानी इस तरीके से, यानी फिगर में हमने आपको दर्शा ही दिया है कुछ इस तरीके से। कभी सपाट है तो सपाट ही चल रहा है, कभी है तो इस तरीके से आपका होता जाता है। तो ये आपका आता है समुद्र से उठे हुए लगभग आपका। उसके बाद फिर आता है आपके अधिकांश जो भूसंरचनाएं हैं वो उत्तर दक्षिण में, मान लीजिए आपका ये आपका एन हो गया यानी कि नॉर्थ, और ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो कहा जाता है कि उत्तर दक्षिण दिशा में एक दूसरे के समानांतर में फैली हुई हैं, यानी उत्तर दिशा एक समानांतर में आई हैं। और एक और जहाँ मध्यवर्ती विशाल पर्वतीय क्रम है वहीं दूसरी ओर जापान के बाह्य भाग में यानी कि बाहरी क्षेत्र में अनेक सकरी समुद्र तटीय मैदान और खाड़ियाँ फैली हुई। मान लीजिए इस तरीके से आपका एक समुद्र खाड़ी है और उसमें तटीय क्या है मैदान है और समुद्री तटीय मैदान और खाड़ियाँ हैं। उसका कि निष्कर्षता यह कह सकते हैं कि जापान विभिन्न स्वरूपीय पर्वतों पठारों नदी निर्मित घाटियां अथवा दरार घाटियां तटीय मैदानों प्रायद्वीपीय इनकी प्रायद्वीपों आदि से युक्त एक समुद्रोन्मुख देश है, यानी कि समुद्र से उन्मुख यानी कि समुद्र से उत्पन्न हुआ एक देश है। जापान के धरातलीय स्वरूप और दृष्टिपात करने से यह स्पष्ट होता है कि इस संकीर्ण का मतलब होता है दोस्तों कि चारों तरफ से युक्त दो समानांतर पर्वत श्रेणियों और जो श्रेणियाँ हैं वो दोनों तटों के समांतर क्या होता है विस्तृत हैं। यानी कि संकीर्ण का मतलब ये आता है दोस्तों कि चारों तरफ से प्रकाशित हुआ एक हरा भरा सा देश मान बताया जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे बताया कि यहाँ अनेक स्थानों पर ज्वालामुखी पर्वतों का प्रसार है।
जापान में 691 ज्वालामुखी हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात बताई गई यहाँ पे, जापान में कितनी ज्वालामुखी हैं, 691, जिसमें से 30 अब जागृत अवस्था में है, 30 जो है वो जागृत अवस्था में हैं। और जापान के 580 से अधिक शिखरों की ऊंचाई लगभग 2000 मीटर से अधिक है, जो 580 शिखर बताए गए हैं। हानसू जो जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बताया कि हानसू जो बताया गया है वो जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। और पश्चिमी पर्वत श्रेणी की रचना निहिद्दा और अकाइशी नामक पर्वत श्रेणियों से हुई है। इनकी ऊंचाई कितनी बताई गई दोस्तों, 3500 मीटर से अधिक है जो इनकी पर्वत श्रेणियाँ हैं। और हिद्दा श्रेणियाँ जो है, यानी कि हिद्दा पर्वत, जो जापान की हिद्दा पर्वत है वो मैटर्न हार्न कहलाता है। और इन श्रेणियों के दक्षिण जो पोंटेक एवं नोरीकुरा पर्वत श्रेणियां हैं, जिनकी ऊंचाई क्रमशः 300-185 मीटर है। और 300 मीटर इस श्रेणी के पूर्व में काईगेन जो 300-139 मीटर है। और आइनो पर्वत श्रेणी है वो 3109 मीटर है, तथा कोमागा 2987 मीटर है। इन पर्वत श्रेणियाँ के ही अंग हैं। हिद्दा श्रेणी के पश्चिमी में हिद्दा पठार है जो नागोया के पास अत्यंत सकरा हो गया है। सकरा का मतलब होता है दोस्तों टेढ़ा मेढ़ा, यानी खुदरा सा उत्पन्न हो गया है। और पूर्वी पर्वत श्रेणी का विकास यानी कि मोरियानी द्वीप से हुआ है, मोरियानी द्वीप में हुआ है। और यहाँ पर ज्वालामुखी पर्वतों की अधिकता है, यानी यहाँ पे क्या है, ज्वालामुखी जो है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। यहाँ के ज्वालामुखी पर्वतों का मुख्य विशेषता यह है जो है फ्यूजी जियामा पर्वत को छोड़कर किसी भी श्रेणी की ऊंचाई 1500 मीटर से अधिक नहीं, यानी कि जो फ्यूजी यामा पर्वत श्रेणी है वो क्या है, 1500 मीटर से ऊपर की है। फिर आता है केंगामाइन जो फ्यूजियामा पर्वत के निकट है, जो 1200 मीटर से ऊंचा है। इसमें स्पष्ट यह है कि जापान विविध संश्लिष्ट भू दृश्यों का देश है। हमने जो अभी आपको बताया है, जापान का जो विविध संश्लिष्ट हैं वो भू दृश्यों का देश बताया गया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और एक दूसरे को ज़रूर वीडियो को शेयर करते रहिए। अब आपका आता है कि हानसू के दक्षिण पश्चिम में स्थित चोकुकू प्रायद्वीप की रचना में पश्चिमी श्रेणी का विशेष हाथ है, जिसका प्रमुख आधार है चुगोकू पर्वत है। यह प्रायद्वीप दो वलित पर्वत श्रेणियाँ से बना है। वलित पर्वत आप लोग जानते हैं कि उथला हुआ समुद्र से होता है। और उत्तरी वलित श्रेणी यानी एशिया महाद्वीप के सिरलिंग तथा दक्षिणी वलित श्रेणी में नानसान पर्वत श्रेणी संबंधित हैं। सिकोकू द्वीप दक्षिणी वलित श्रेणी यानी कि जो सिकोकू द्वीप है उसके दक्षिणी में क्या आता है, वलित श्रेणी है जो सिकोकू द्वीप का है, जो रवेदार शिष्ट शैलों में